नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। आम आदमी पार्टी रीवा जिला इकाई द्वारा आज रोजगार दो या फांसी दो के नारे के साथ 12 सूत्री मांगों को लेकर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के घर का घेराव करने का प्रयास किया। लेकिन पुलिस और प्रशासन द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को कॉलेज चौराहे के समीप रोक लिया गया, जिसके बाद सभी कार्यकर्ता कॉलेज चौराहे पर भी बैठ गए। बाद में उनका ज्ञापन लेकर धरने को समाप्त किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बताया कि आज विंध्य सहित पूरे देश में बेरोजगारी और महंगाई पूरे चरम पर है। आम आदमी और युवा वर्ग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। इसकी जिम्मेदार यह भाजपा सरकार है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा इसका विरोध करते हुए आज रोजगार दो या फांसी दो के नारे के साथ 12 सूत्री मांगों को लेकर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के घर का घेराव करने का ऐलान किया गया था। उसी कड़ी में आज आम आदमी पार्टी द्वारा सांसद जनार्दन मिश्रा के घर का घेराव किया जा रहा था। इसी दौरान सत्ताधारी दल के पुलिस और प्रशासनिक अमले ने सभी को बैरिकेड लगाकर कॉलेज चौराहे पर रोक लिया। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि सांसद यहां पर आएं और उनका ज्ञापन लेकर के उनकी मांगों को पूरा कराने का प्रयास करें, लेकिन बाद में प्रशासन द्वारा कार्यकर्ताओं का ज्ञापन लेकर मामले को शांत कराया गया। आम आदमी पार्टी युद्ध विंग प्रदेश व्यापी 12 सूत्री मांगों के लेकर के आह्वान पे हम लोग आज रोजगार दो या फांसी दो आह्वान के तहत आज रीवा पहुंचे हुए हैं। रीवा में 12 सूत्री मांगों को लेकर के आज सांसद महोदय के घर का घेराव किए थे, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए सत्तासीन के डर की वजह से सांसद महोदय कैद हो गए घरों के अंदर। सांसद महोदय मिलने नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम लोग जब तक नहीं मिलेंगे रोड के अंदर ही बैठ करके प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। आज मध्य प्रदेश के नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। आज छात्रों के पास पढ़ने लिखने के लिए सारे इंस्टीट्यूट बंद हो जा रहे हैं, प्राइवेटीकरण की ओर चला जा रहा है। आज मध्य प्रदेश का दलित आदिवासी किसान का बच्चा कहाँ जाए, कहाँ नौकरी करे, यही इन्हीं सब मांगों को लेकर के 12 सूत्री मांगों को लेकर के रीवा पहुंचे हुए हैं सांसद महोदय। जब तक उनके प्रतिनिधि या सांसद जी नहीं आते हैं, ये हमारा अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। बंगले घेराव करने गए थे, जा रहे थे, वहाँ तक क्यों नहीं गया? और आप लोग यहाँ से बैरिकेड निकल के गया, फिर लौट के आके यहाँ धरना दे रहे हैं, तो क्या ये आपका वो नहीं है कि आपने अपना रूट बदल दिया? नहीं, हमने हमारा जो अभी प्रशासन के लोगों से वार्ता हुई, प्रशासन के लोग कर रहे हैं सांसद या सांसद जी के प्रतिनिधि जी को बुला रहे हैं, इसलिए हम लोग उनके घर के ठीक नजदीक रोड में बैठे हुए हैं। जब तक सांसद या सांसद के प्रतिनिधि आकर के ज्ञापन नहीं लेंगे, ये धरना जारी रहेगा। या गिरफ्तार कर लें या जेल भेज दें, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता युद्ध डरने वाले नहीं है। क्या माना जाए कि प्रशासन के डर के मारे कार्यकर्ताओं को वापस लौटना पड़ेगा? नहीं, कोई डर नहीं है, हम तो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। हमारे ऊपर मुकदमे कर दें, जेल भेज दें। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से या भारतीय जनता पार्टी के सत्ता से डरने वाला नहीं है। या गिरफ्तारी कर दें, गोलियां मार दें, जेल के अंदर भेज दें, हम डरने वाले नहीं है। संदीप शाह, यूथ प्रदेश अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश।